269,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब तक जो लिस्ट नेट पे वायरल हो रही थी, इंटरनेट पे वायरल हो रही थी, वो लिस्ट फेक थी। अलग से जल्द जारी हो सकती है 31,661 अभ्यर्थियों की सूची। तो जाने कब तक ये सूची आने वाली है। प्रदेश परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जल्द जारी की जा सकती है। सोमवार या मंगलवार को ये लिस्ट आने की उम्मीद है। इसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी और फिर सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से बड़ी खबर है ये। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा के बाद 1 जून को परिणाम जारी किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों की पहले दिन काउंसलिंग भी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे लगा दिया था। अब शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़ करके बाकी के 31,661 पदों पर परिणाम घोषित किया जाना है। ये परिणाम अगले सप्ताह जारी किए जाने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि शनिवार और रविवार को एनआईसी बंद है, ऐसे में सोमवार या मंगलवार को लिस्ट जारी की जा सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में प्राप्तांक और पूर्णांक के संशोधन की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने भी कुछ मामलों में आदेश जारी किए हैं। ऐसे में 31,661 शिक्षकों की मेरिट भी प्रभावित हो सकती है। बेसिक शिक्षा परिषद को 31,661 शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी करने से पहले प्राप्तांक और पूर्णांक में संशोधन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो था 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।